मोक्षण प्रकाश ग्रंथ पेज नंबर 286 करणानियोग में तो रागादि रहित शब्दोपयोग यथाख्यात चरित्र होने पर होता है, पर मोह के नाश से स्वयं ही होगा। वो जो यथाख्यात जिसकी बात करणानियोग करता है वो अपने आप होगा, वो मतलब वो बारहवें गुणस्थान वर्ती जीव के होगा, और वो जो मतलब उसका छपक श्रेणी आरोहण करेगा तो उसके अपने आप बारहवें गुणस्थान की प्राप्ति होने पर मोह का नाश होने पर हो जाएगा। अब अपन क्या करें उसके लिए, अपने तो अपना तो अभी कोई है ही नहीं, बालवा तो छोड़, दसवा ही नहीं है, नौवा ही नहीं है, आठवा नहीं, सातवा छठा नहीं है, पांचवा ही नहीं है, तो हम क्या करें? क्या भाई नीचे वाला क्या करे? अब तो दसवें वाले को होएगा, तो नीचे वाले के लिए तो कुछ बात ही नहीं, फिर बस वो तो खाए पिए आराम से, क्यों फिर जो काम होना ही नहीं, कई लोग क्या मोक्ष तो भी होना ही नहीं, तब क्या करना, क्यों मोक्ष नहीं है तो मोक्ष नहीं होना तो क्या करना, मोक्ष नहीं हो सकता इस काल में, तो फिर बस संसार के काम करो, धंधा पानी करो। तो ऐसी बातें जो करता है उसके कहते हैं कि भाई वो नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन अब तेरे लिए वो उपदेश देते हैं जो तू कर सकता है। क्या बारहवा गुणस्थान इस काल में नहीं हो सकता, ये बात सही है, दसवा नहीं हो सकता, नौवा नहीं हो सकता, आठवा नहीं हो सकता, सातवा छठा तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है, सातवा छठा ही कर ले, सातवा छठे के लिए पांचवा कर ले, चौथा कर ले। तो अब निचले भूमिका वाला क्या करे, इसका पहला है उसको अपन कहे कि भाई देख ये तो बारहवें में होता है यथा क्या चाहिए, तो कह रहे वो तो अपने आप होगा, जो सम्यक दृष्टि होगी, मुनिराज होंगे, जब छपक श्रेणी आरोहण करेंगे तब होंगे। अब निचली अवस्था वाला क्या करे विचार, निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे, और द्रव्यानियोग में शुद्धोपयोग के मुख्य उद्देश्य है शुद्धोपयोग करो, शुद्धोपयोग करो, अब करो हो ही नहीं सकते इस काल में, तो इसका मतलब उस ग्रंथ को बंद कर दे फिर, क्यों? तो कहते हैं कि भैया महा का शुद्धोपयोग का अर्थ क्या है, क्योंकि द्रव्यानियोग में भी शुद्धोपयोग का उपदेश है, तो इसका मतलब वो उसी शुद्धोपयोग का उपदेश है जिस शुद्धोपयोग की प्राप्ति तुम कर सकते हो। द्रव्यानियोग की ग्रंथ कब लिखे गए, कौन से काल में, चौथे काल में, पंचम काल में, तो वो इसलिए लिखे गए कि बस लिख दो कि अपने हित के लिए लिखे गए, अपने हित के लिए लिखे। कोई भी लेखक लिखा है, आचार्यों ने ग्रंथ लिखे है, वो अपने ऊपर करुणा बुद्धि करके लिखे, हमारा हित हो उसके द्वारा। अब उसमें बारंबार ये उपदेश है कि तुम शुद्धोपयोग करो, तो क्या आचार्य को ये जानकारी नहीं थी, कि शुद्धोपयोग भैया शुद्धोपयोग तो इस काल में होता ही नहीं है, वो तो बारह गुणस्थान में होता है, तो फिर उन्होंने जबरदस्ती ये जब चरण द्रव्यानियोग में बारंबार शुद्धोपयोग करने का उपदेश दिया। तो कहते हैं कि यदि द्रव्यानियोग में शुद्धोपयोग का उपदेश है तो द्रव्यानियोग के शुद्धोपयोग को ही लेना, और करणानियोग के बारहवें गुणस्थान वाले शुद्धोपयोग को मत लेना। तो फिर वहाँ शुद्धोपयोग की क्या परिभाषा है, तो वहाँ तो छद्मस्थ जिस काल में यानी जिस समय में वो शुभोपयोग और अशुभोपयोग छोड़कर आत्मानुभवन के कार्यों में प्रवर्ते, बुद्धिपूर्वक प्रवर्ते, उसी को वहाँ शुद्धोपयोग कहते हैं। वहाँ एक कषाय के अभाव होने पर भी शुद्धोपयोग कहते हैं, और करणानियोग तीन के अभाव होने पर भी शुद्धोपयोग नहीं कहता, ये दोनों की विवक्षा है। द्रव्यानियोग तो एक कषाय का भी अभाव कर देते हो कह रहे शुद्धोपयोग ही, एक का अभाव हुआ, यदि एक के अभाव होने पर शुद्धता नहीं हुई, एक के अभाव में शुद्धता नहीं मानी जाए, तो फिर दो के और तीन के और चार के अभाव में शुद्धता कैसी हुई,
जैसे मटका है सूखा मटका, उसमें एक बूंद पानी डाली, दो बूंद डाला, तीन डाला, दिख रहा है आपको पानी, पर वो तीन बूंद से भरा है कि नहीं भरा है था? प्यार बुझ जाएगी इससे, लेकिन उस तीन बूंद ने भी उस मटके को भरा कि नहीं भरा, ये मेरा प्रश्न है। एक बूंद मटके में पानी डाला, उस एक बूंद एक बूंद पानी ने भी मटके को भरा कि नहीं भरा है? भरा है, सब दिखती तो है ही नहीं, सूखे मटके ने पी ली, दिखी नहीं है तो एकदम। यदि एक से नहीं भराएगा तो दो से भी नहीं भराएगा, तीन से भी नहीं भराएगा, चार से भी नहीं भराएगा, पांच से भी भराएगा, कितनी बूंद डालो फिर भराएगा ही नहीं वो। इसलिए एक ने भी भरा तो है क्या? तो वो जो एक ने भरा है उसको देखने की आदत है अन्य नियोगों की, और जब पूरा भरा जाएगा पिएंगे पूरा फुलम फुल, एक बूंद भी जगह नहीं होगी, तब करना नहीं होगा कि हाँ भरा तो यह अब भरा गया है। ऐसी ये विवक्षा है, और अब ये विवक्षा नहीं समझे तो लड़ने लग जाए। अब आधा ही जब घड़ा भरा है तो एक कह सकता है कि अभी खाली है, और एक क्या कह सकता है भरा है, एक भरा है खाली, भरा है खाली, लंच लेके लड़ो। ये ऐसी बातें हैं ये, जो जो जिनाणी नहीं समझते ना वो इन फालतू की बातों में उलझते। भाई अपेक्षा समझो आचार्यों की विवक्षा है, जिनवाणी में सब तरह के कथन है, क्या कहीं ये भी मिल जाएगा कि बारहवें अनुष्ठान में शुद्धोपयोग, और कहीं यही मिल जाएगा कि चौथे अनुष्ठान में भी, फिर नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, हो नहीं हो लिखा है ना। अरे पूरा द्रव्य नियम तो कोई बात ही नहीं करता है, द्रव्य नियम में शुद्धोपयोग के अलावा कोई बात ही नहीं है, वो तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग दोनों को ऐसा खींचता है, वो तो कहता है एक शुद्धोपयोग ही कार्यकारी है बस, उसकी दृष्टि में सम्यक दर्शन के अलावा वो किसी की कीमत ही नहीं करता। वो जितने आपके व्यवहार धर्म ध्यान है वो सब सम्यक के सामने, यदि सम्यक की प्राप्ति के लिए ना हो तो उसको कुछ गिनता नहीं जाता, देवयोग गति की प्राप्ति को कोई बहुत अहमियत नहीं देता। द्रव्य नियोग तो केवल बस स्व पर भेद विज्ञान और आत्मानुभवन और आत्मा की रुचि लीनता, बस उसकी आदि आत्मा से होती है और अंत भी उसका आत्मा भी होता है, और कोई बात नहीं करता। वस्तु की शक्तियों का प्रकाशन करता है, कहता आत्मा अनंत शक्तिवान पदार्थ है, उसे किसी परद्रव्य की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है, और जो इसको जब तक नहीं पहचानेगा तब तक वो वास्तव में सच्चा जो धर्म है वो नहीं पहचानेगा। धर्म क्या है? धर्म तो इसका नाम है, जैन ने अपने नाम दिया, धर्म इतना ही है कि अपने आप की शक्तियों को पहचानने का नाम ही धर्म है बस। जिसने अपनी शक्ति पहचानी और अपने में लीन हो गए वो भगवान हो गए, और जो अपनी शक्ति नहीं पहचान के पर से अपनी शक्ति मानता है वो संसार में रखा दिया। जैन दर्शन किसका नाम है? हर वस्तु की स्वतंत्रता को समझना, ये पुद्गल है ये जीव है, क्या ये पुद्गल जीव में कुछ नहीं देता, जीव पुद्गल का कुछ नहीं करता, दोनों अपने अपने में लेकर अपना अपना काम करते हैं, इसको समझना, इस वस्तु व्यवस्था को स्वतंत्रता को समझना ही जैन दर्शन। और ये वस्तु स्वतंत्रता का प्रकाशन करता है, वस्तु स्वतंत्र समझ में आएगी क्योंकि स्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति, तो अपना पर से मोह हटेगा। जब तक अपन पर से अपने ज्ञान दर्शन सुख को मानेंगे तब तक पर के प्रति ममत्व अपना बना रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जिस काल में ये छद्मस्थ बुद्धि गोचर भक्ति आदि शुभोपयोग रूप और हिंसा आदि अशुभोपयोग रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल से शुद्ध उपयोगी है बस, यानी वो कोई शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की क्रियाओं से रहित होकर और एक अपने आत्मानुभवन के कार्यों में बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है तो उसको हम शुद्ध उपयोगी कहते हैं। हाँ चिंतन वाले को तो नहीं कहेंगे वैसे, वो होना चाहिए आत्मानुभवन रूपी है,
आत्म स्थिरता, आत्मलीनता, आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान, सब आत्मा में, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मलीन फलत्न सभी अप्लीकेबल है ना। नीचे की भूमिका में देखो, जेएमबी की 10 किलो की मिठाई, भाई करोड़पति है, 10 किलो की मिठाई करे अपने पास में, समझ ले गरीब गया, 100 ग्राम मिठाई की, 1 किलो ली। अब वो जो एक 10 ग्राम में जो स्वाद है, 10 ग्राम समझ लो किसी को टेस्ट करने को, अब एक आदमी 10 किलो मिठाई ले गया और एक आदमी को 10 ग्राम मिठाई को टेस्ट करने को दी, उसके टेस्ट में क्या अंतर है? क्वांटिटी का अंतर है, क्वांटिटी का, इस क्वांटिटी और इंटेंसिटी का मतलब उसका अंतर हो सकता है, मतलब स्थिरता का काल और स्थिरता की गाढ़ता वो ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में अधिक है, लेकिन नीचे के गुणस्थानों में कुछ भी नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो फिर प्रारंभ ही कैसे होगा मोक्ष मार्ग का, यदि मोक्ष कुछ हो ही नहीं, यदि पहले से चौथे होने में भी कुछ नहीं हुआ तो चौथे से पांचवे में भी कुछ ही, मतलब कुछ तो आपको मानना पड़ेगा ना। जैसे अपन समझ लो यहाँ से एक सीढ़ी आगे गए, तो यदि आप ये कहो कि नहीं हमने कुछ भी कुछ है ही हो ही नहीं, यदि एक से दूसरे में कुछ नहीं हुआ ना भैया, यदि एक से दूसरा नहीं चढ़ा तू, तो इसका मतलब तू दूसरे से तीसरे में भी चढ़ना हम कैसे माने, दूसरे से तीसरे में भी हम चढ़ना कैसे माने, तीसरे से चौथे में भी चढ़ना कैसे माने, तेरे को तो एक सीढ़ी भी वो चढ़ा है तो तू ये समझ कि उसने कुछ उपलब्धि की है। हाँ, वैसी उपलब्धि नहीं है 10 सीढ़ी चढ़ने वाले की, लेकिन वो उपलब्धि तो नीचे वाला भी कर सकता है, उसकी उसकी जो है उसकी स्थिरता उसकी लीनता कम होगी, लेकिन अंतर जो तत्व श्रद्धान है उसमें अंतर चौथे से लगा के 12वें तक अथवा चौथे से सिद्धों तक भी कहें तो श्रद्धान में कोई अंतर नहीं आता है। श्रद्धान और ज्ञान जो है ना, वो अभी इस काल के व्यक्ति को भी श्रद्धान और ज्ञान वैसा हो सकता है जैसा श्रद्धान और ज्ञान सिद्धों के है, क्योंकि श्रद्धान और ज्ञान पूरा मानने के ऊपर अवलंबित है कि भाई दुनिया जैसी है वैसी मानना, तो मानने में इस काल के आदमी को कौन रोकता है, कोई रोक रहा है कि तुम नहीं मानो भाई, जैसा है वैसा मानो, तो दो दो चार मानने के लिए इस काल में क्या वाप प्रॉब्लम है, ऐसे 6 द्रव्य 7 तत्व को जैसा का तैसा मानना और 100 रुपये को भिन्न भिन्न जानना, 100 रुपये को भिन्न भिन्न अनुभव करना, इन चीज़ों के लिए इस काल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रत्नत्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और एक कषाय चौकड़ी का अभाव तो इस काल में होता ही है ना, 2 का होता 3 का, संपूर्ण मोक्ष नहीं होता उसकी अपेक्षा इस काल में होना की, बाकी चौथे पांचवें सातवें स्थान तक की तो प्राप्ति होती है। तो अपने लिए अपन क्या करें, अपन ये करें तत्व विचार करें, तत्व निर्णय करें, सुपर भेद ज्ञान करें, आत्मानुभव का उद्यम करें, क्रम है, क्रम है सब चीज़ों में, पहले तत्व का अभ्यास करेगा, तत्व का विचार करेगा, तत्व का चिंतन मनन करेगा, तत्व निर्णय करेगा, तत्व निर्णय होकर वेद विज्ञान होगा, सुख अनुभव वो लास्ट स्टेज है, वो स्वयं में होने वाली चीज है, उसके पहले की स्टेज पूरी वो पक्की कर ले, मोक्ष नहीं होने, पंचमगण मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष नहीं होने की अपेक्षा निकृष्ट है, लेकिन मोक्ष नहीं होने की अपेक्षा, क्योंकि इसका अलग मोक्ष नहीं होता, बाकी 7वें 6ठे गुणस्थान तक होने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ 7वें 6ठे मोक्ष नहीं होने का कारण ये कितना सहननीय जीवों का ऐसी स्थिरता नहीं है, जैसे मतलब ऐसी लीनता होती थी ना, जैसे पहले आदमी दृढ़ निश्चय होता था, जैसे दृढ़ निश्चय नहीं आजकल जो उनका उपयोग बहुत चंचल चला है, मानो देह की भी स्थिरता नहीं है, जैसे देह को शियालनी खाती रहे और ये बैठा रहे, ऐसी ताकत आज के आदमी की नहीं है, वैसा उसका सहन भी नहीं है। बोलो, मच्छर काट जाए तो चिंता जाती है, मच्छर काट जाए तो वो शेर क्या खाए होंगे, शेर तो देख लेते जो ऐसी स्थिरता तो नहीं किसी की नहीं। सिंह, अरे वो तो उनकी ऐसी स्थिरता होती कि सिंह पास में चल रहा है सिंह डर जाता है, क्या ऐसा निर्भीक, उनकी वृत्ति अलौकिक होती है।
सिंह चीते वो डरते हैं, वो नहीं डरते मुनिराज। सिंह चीते डर जाते थे देख के, क्या पाप हिंसक। ऐसे बड़े जंगल में जब चिंगाड़ा चल रही हो, जिन गुफाओं में शेर रहता है उन गुफाओं में बस रहे, शेर की गुफा में जाके ध्यान कर लो, शेर की गुफा में अंदर बैठ कर, और शेर की गुफा है वहां चलेगा, शेर आएगा। इतना अदम्य साहस किसको कहते हैं, इतना अदम्य साहस। ऐसी सहन नहीं है इस बात में किसी की नहीं, और इसलिए ऐसे मतलब इतनी इतना बल ही नहीं ना, देह का बल इतना जरूर है कि वह अपने आत्म साधना में कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि 90% ऐसी जिसमें देह की इतनी मजबूती और इतने सहन की आवश्यकता ही नहीं। 90% धर्म बिना सहन के हो जाता है, जैसे निर्णय करना, भाई वस्तु स्वरूप का पहले निर्णय करना, ज्ञान करना, तो उसके लिए इतने सहन की आवश्यकता ही नहीं। भाई हम शेर भी, शेर तुम्हारे तो शेर से काम ही नहीं पड़ रहा रोज, तुम्हारे तो घर में बैठे हो आराम से, इतनी सीधी सच्ची जिनवाणी पढ़ने को दी है उसको पढ़ो, और पहले तो निर्णय करो, जब तुम्हारा इतना दृढ़ निर्णय हो जाएगा तब तुम्हारे में ऐसी स्थिरता आएगी, ऐसा साहस आएगा कि शेर खाएगा तुमको शरीर को, ये खाएगा इसको, और तुम कहोगे कि तो शरीर को खा रहा है और तुम्हें बिल्कुल उपयोग भी तुम्हारा चलायमान नहीं होगा। तो इसके लिए पहले इतना श्रद्धांत दृढ़ होना चाहिए ना, और वो श्रद्धांत तो उन्होंने गृहस्थ अवस्था में उत्पन्न कर लिया था, जिस श्रद्धांत के बल से वो इतना काम कर सके। ये किसका बल है, ये इसका बल नहीं है, अरे अब खा लूंगा तो क्या हो, अरे अब भाग जाऊंगा तो क्या हो, पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा तो खोटी गति चले जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मुनि हूँ, मुनि का तो धर्म ही है कि उसको तो जो है उसने व्रत ले रखा है तो उसको व्रत को पालना चाहिए, व्रत का भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे विचारों से वो कोई रुकेगा, ऐसे विचारों से वो अपने आप को नहीं रोकते हैं, और वो द्रव्यलिंगी रोकता है विचारों से। द्रव्यलिंगी की ये तो बोल रही थी, द्रव्यलिंगी को ये मतलब द्रव्यलिंगी जो है अपने इन शुभोपयोग रूप विचारों से और अपने आप को रोक के रखता है, प्रतिज्ञा भंग नहीं करता, बाहर से ऐसा लगता प्रतिज्ञा भंग नहीं करता, मतलब उसके अंदर का परिणाम वो जो है ना वो ये स्थूल वैराग्य की भावना है। और भावलिंगी को तो उस समय खाते हैं तब भी उनका उपयोग उसमें नहीं जाता है, उस काल में श्रेणी मान लेते हैं, इतना उनका इतना अदम्य साहस होता है, श्रद्धान ज्ञान और लीनता ऐसी अद्भुत होती है कि अधिकांश मुनिराजों का पढ़ो पुराण तो जिस काल में उपसर्ग हो रहा था उस काल में उन्होंने श्रेणी मान ली। जैसे कछुए को जब मारते हैं ना तो वो एकदम और अंदर सिकुड़ जाता है, संकुचित हो जाता है, जितना आप करो तो वो उतना अंदर वो संकुचित। ऐसे जब पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमंड उपसर्ग कर रहा था, इधर उपसर्ग कर रहा, उपसर्ग के काल में आदमी कितना चलायमान होगा, मैंने पर जब भी आपको कोई सब तरह से तकलीफ होगी तो आप कितने डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन उनका उल्टा है, पत्थर बरसा रहे, अग्नि बरसा रहे हैं और अंदर में आनंद रस में झूल रहे, और आनंद बढ़ रहा है और प्रति समय स्थिरता और बढ़ रही है और अपने में लीनता बढ़ रही है, मगनता ही बढ़ रही है, और उस काल में वो छपक श्रेणी मानकर केवल ज्ञान प्राप्त कर दुनिया दिख रही है, क्या होगा पत्थर बरस रहे, क्या होगा मुनिराज का, और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान। बोलो कितने चिंता का विषय, जैसे समझ लो कोई किसी के ऊपर कोई पत्थर बरस रहे हो तो अपने को दया, क्या होगा तो क्या होगा, हाय राम क्या क्या होगा, अंतर मुहूर्त बात देखा तो केवल ज्ञान हो गया, तो लोग आ रहे हैं है? अपने को चिंता हुई कि क्या हो रहा होगा उनका मुनिराज का क्या होगा, वो मुनिराज तो छपक श्रेणी मानकर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या हम सोच रहे सुकौशल मुनिराज को 3 दिन से सियाल नहीं खा रही है, कितना भीषण भयंकर उपसर्ग हो रहा है, और चौथे दिन आए तो देखा तो उनके केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो गया, वो तो मुक्ति को चले गए, मोक्ष चले गए अनंत काल के लिए, और हम उनके लिए दुख मना रहे थे। इसलिए धर्म चीज बहुत अलग है, ये जो लौकिक चीजें चलती रहे सप्त सैकड़ा मुनि और जान रक्षा करी विष्णु भगवान, बहुत स्थूल है, मुनिराज अपनी आत्म परिणति से रक्षित रहते हैं। क्या
उनकी उनकी दशा, उनको तो उपसर्ग दिख रहा है, उनको लग रहा है भयंकर क्या होगा, उनमें क्या होगा। वो पहले ही अपने अपने आप को उन्होंने रक्षित कर लिया, काय से, अपनी आप परिणति से। वो अपने को अपनी परिणति से रक्षित करते हैं, बाहर से रक्षित नहीं करते। बाहर में कुछ भी हो, उनको करवा, उस काल में वो अपना काम करते थे, क्योंकि उनको देखी ही नहीं है परवाह, उन्हें काय की परवाह है, अपने आत्म परिणति परवाह क्या, मतलब वो अपने में उपयोग रामायण देह से पृथकता की ओर भावना अधिक अधिक भाते हैं। जिस काल में उत्सर्ग होता है, उस काल में देह को बिल्कुल पृथक जान के उससे राग भी छोड़ देते, ऐसा अद्भुत उत्कृष्ट पुरुषार्थ करते। देखो इस जीव ने ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई देह को देह का राग छोड़ना बहुत कठिन काम है, लेकिन इस जीव ने पंच इंद्रिय के विषयों के लिए और कषायों के लिए आज तक देह का राग छोड़ा है, लेकिन धर्म के लिए नहीं छोड़ा। क्यों? अपन सीजन चल रहा हो तो अपन उपास कर सकते, ग्राहक बैठा हो दुकान पे कोरोना टाइम बहुत भीड़ लगी हो तो अपने को एकासन करने में दिक्कत नहीं, और जिस दिन खाली हो और धर्म के नाम पे एकासन करना तो मुश्किल है। माने हम लौकिक कमाई के नाम पे हम कुछ भी कर सकते हैं, उपसर्ग सह सकते हैं, पानी की तकलीफ, सबकी तकलीफ, गर्मी वर्मी सब, ऐसा नहीं देह का राग नहीं छोड़ता। अरे हर आदमी को धन आदि के लिए कुछ तो राग छोड़ना ही पड़ता है, तो जो नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी ना राग, वो तो लौकिक में भी सफल नहीं हो पाते। जो बिल्कुल आलसी प्रमादी जीव है वो क्या करना, लौकिक में भी कुछ नहीं करते, स्कूल में भेजा भैया जी को पढ़ने मन ही नहीं करता। स्कूल में वही पढ़ पाते हैं जिनको विषयों की रुचि नहीं होती थी, समझ में आया ना, विषय की रुचि होती है तो स्कूल में भी नहीं पढ़ पाता बच्चा, टीवी देखने में रुचि उसको आता ही, उपयोग उसका दिमाग इधर उधर घूमता रहता है। जो स्कूल में पढ़ाते हैं मैथ्स, तब उसका दिमाग कहीं बोलो टीवी के सीरियल में क्या आया था, अभी इंडिया और किसकी सीरीज चल रही है, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा क्या, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, उसका ध्यान कहाँ बैठा हुआ है सारा, दिमाग तो उसका सीरीज में लगा हुआ, तो वो इसको याद करेगा कि उसको याद रखेगा। जो जो लौकिक में भी पंच इंद्रिय के विषयों को तिलांजलि नहीं दे सकते, मैंने जिनका राग कम नहीं है विषयों का कषायों का, उनका उपयोग इसमें लगना मुश्किल होता है। जब वो लौकिक में नहीं लगा सकता कुछ भी, लौकिक शिक्षा, शिक्षा जो है शिक्षा, शिक्षार्थी को इसलिए जितेंद्रीय होना जरूरी है, ये लौकिक कहावत है हिंदुओं की कि विद्यार्थी को जितेंद्रीय होना चाहिए, यदि विद्या विद्या हासिल करनी है उसे तो उसे इंद्रिय विषयों का गुलाम नहीं होना चाहिए। पहले 25 साल तक विद्यार्थी को, पहले विद्यार्थी जो है उसके लिए नियम रहता था 25 साल तक तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुरुकुल में रहो 25 साल तक, और गुरुकुल में कोई तुमको टीवी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मम्मी तुम्हारे बहुत अच्छा वो नहीं करेगी, बहुत टेम्परिंग क्या, तेरे के जूते फीते भी तेरे खोले आते ही, तेरे फीते बांधे क्या, वहां तो तू खुद अपना काम कर और सीख जिंदगी की असलियत को, 25 साल तक ऐसा काम कर, सुबह सुबह 4 बजे उठाए नहीं, गुरुकुल में रहे नहीं आप लोग, तो सब आनंद वाले लोग हैं। सुबह 4 बजे उठाए थे, घंटी बज जाती, थोड़े दिनों में अपने आप आदत हो जाती है आपको क्या, और जो है बाहर में कम से कम उतना अनुशासन रहता है, संयमित जीवन, तो आदमी उसमें कुछ कर लेता है क्या। तो ये सब जरूरी है, जीवन में भी जरूरी है, जो विषय कषाय का गुलाम क्या करेगा, पंचेंद्रिय के विषय का गुलाम से क्या हो सकता है, क्या उम्मीद की जा सकती है उससे। क्यों? जो पांच इंद्रिय के विषयों का गुलाम है वो लौकिक में भी निर्भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आदतों से परेशान है, उसको अरे ये क्या, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। हर आदमी को इतनी कंफर्ट की आदत डल चुकी है कि वो रिस्क लेने में, जीवन के अपने जीवन के प्रति कुछ भी नया करने में वो डरता है, रिस्क टेकर नहीं है लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको वो सारा जो कंफर्ट की आदत डल गई, वो कुछ भी
ये कुछ छूटना नहीं चाहिए, ये कुछ भी इसमें कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए। मेरे जो भी सुख शांति आनंद है बिना उसमें खलल पड़े, अब आप कुछ कराओ, क्या कराना है कि ये इनको इन सुख सुविधाओं का मोह छोड़ कर, और अब तो ये सुन कि इनमें सुख नहीं है, इन ये सुख सुविधाओं का उपयोग छोड़कर, और तो उसमें सुख बुद्धि छूटेगी ना, तो सुख सुविधाओं में उपयोग रहेगा तो उसमें सुख बुद्धि कैसे छूटेगी, सुख बुद्धि तो इसी की पड़ी हुई है। समझ में, गुलाम जो विष्णु का गुलाम है उसकी वहां से सुख बुद्धि हटना मुश्किल होती है, क्योंकि उसे वो गुलामी नहीं दिखती, उसे क्या लगता है उसमें सुख दिखता। तो इसलिए यहाँ पर तो अपनी बात तो थी कि ये जो ये है इस काल के अंदर वो नहीं है मतलब, लेकिन 90% काम ये कर सकते हैं, तब तो अभ्यास कर सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं दिया, कोई शेर के पास जाने की जरूरत नहीं, तत्व विचार तत्व निर्णय आगम अभ्यास इसमें कहीं शेर चीतों की कोई दिक्कत नहीं, तो आप आराम से घर बैठ कर सकते। तो इतनी शर्त है इसमें कि आपने को थोड़ा रुचि विषयों की कम होकर और अपने स्वयं आत्म कल्याण की रुचि होनी चाहिए, तो ये कर सकता है। द्रव्यानियोग का जो भी उपदेश है वो सब सरल है, इस काल में संभव है, और प्रत्येक छद्मस्थ जो है बुद्धि में समझ सकता है, ऐसा है कुछ भी वो करना नहीं होगा जैसा कठिन नहीं है। अब वो आदमी जो भी नहीं करता है तो वो अपनी प्रमाद से नहीं करता है, लेकिन उसके अंदर तो दो और दो चार है, भाई ये मानना है कि दो द्रव्य स्वतंत्र है, अभी मानने में क्या दिक्कत है, बस ये मोह है जो नहीं मानने देता। द्रव्यानियोग की बात बहुत सरल होती, कठिन नहीं होती, क्यों मतलब बिल्कुल ही कहता है जो जो जीव जिस जिसने अपने अपने कर्म किए हैं वो अपने कर्म का फल भोगता है, कोई दूसरे को कर्म देता नहीं, इसलिए कोई किसी का कुछ करता नहीं है। अब ये बात तो समझ में आती है, ये मानने को नहीं, नहीं कुछ भी कहो आप, एक दूसरे का एक दूसरे करते तो है। इसलिए इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, तो बहुत हलवा है, लेकिन जब पहले ही पेट खराब हो किसका तो उसे कैसे बचेगा, या नाक जैसे केशर हो लेकिन नाक में यदि मेल लगा रखा है पहले ही तो कैसे केशर की गंध आएगी। ऐसे अध्यात्म तो अमृत है, सुख को प्रदान करने वाला है, लेकिन मोही जीवों को वो सारी बातें मान्यता की उल्टी लगती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो वो इसलिए हमें जानती नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल ये वैसी बातें करता है जो बिल्कुल अपनी मान्यता से माने लोगों की जो मान्यता है जन मान्यता जो है उससे बिल्कुल अपोजिट बात, या यूं कहें अव्यवहारिक, क्योंकि वो कहता ही निश्चय का नाम ही है अव्यवहार, इसलिए बात अव्यवहारिक ही करेगा, यदि वो भी व्यवहार की बात करेगा तो फिर वो व्यवहार नहीं हो जाएगा क्या, ये निश्चय में का प्रतिपादन करता है। इसलिए छद्मस्थ क्या करे कि भाई इतने ही काम करे कि आत्मानुभव आदि कार्य में प्रवर्ते, तो उसका उसको भी क्या कह देंगे शुद्ध उपयोगी कह देंगे, एक कषाय चौकड़ी के अभाव में भी कह देगा इसको। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागाधिक है, अरे केवल ज्ञान गोचर छोड़ो, दो तीन कषाय चौकड़ी का राग हो सकता, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, यहाँ अच्छी चीज को देखते हैं, वो जो नहीं है उसको छोड़ देते हैं, और करना नहीं क्या करता है? जो नहीं है उसको देखता है, जो होता है उसको नहीं देखता है। समझ में आया ना, ये दोनों में अंतर है, करना नियोग जितना राग बचा उसके अपेक्षा कहेगा भी अशुद्ध उपयोग, और द्रव्यानियोग जितना राग छूटा उसकी अपेक्षा कहेगा शुद्ध उपयोग। अपनी बुद्धि गोचर रागाधिक छोड़ता है, ये जीव ने अपनी बुद्धि गोचर जो उसके बुद्धि में समझ में आता है उत्तर उसने राग छोड़ा है, इस अपेक्षा उसे शुद्ध उपयोगी था। उसी प्रकार स्वपर श्रद्धा नादि होने पर सम्यक्तादि कहे वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है, स्वपर के श्रद्धान का नाम सम्यक जो कहा है वो बुद्धि गोचर भाव की अपेक्षा, जो हमारे समझ में आए आपके समझ में आए हैं, जो सम्यक की परिभाषा दी स्व पर का श्रद्धान होने पर सम्यक होता है, तो वो जो निरूपण गया है स्व पर श्रद्धान का वो हमारे और आपके बुद्धि में समझ में आ जाए ऐसा निरूपण है,
क्या हम 100 पल का भेद कर सके, ऐसी बात है, कोई एकदम ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग कोई बात नहीं है। मैंने जो आबाल गोपाल बाल बच्चे को सबको समझ में आ जाए, आबाल से लेकर गोपाल तक को, पशु से लेकर देव तक को, नारकी से लेकर देव तक को, ऐसी बातें करता कि भाई ये पुद्गल है, ये पुद्गल में स्पर्श रसगंध वर्ण होते हैं, शरीर पुद्गल है क्योंकि शरीर में स्पर्श रसगंध वर्ण है, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा में रूप रसगंध वर्ण नहीं है, इसलिए आत्मा भिन्न है शरीर भिन्न है। तो ये जो अनुभूति इतनी सी बात की, ये एक पशु को भी हो जाती है, शेर समझ जाता है बात। क्या अनुभूति इस तरह की बात, शेर को ऐसी अनुभूति हो जाती है, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न, और देह से भिन्न आत्मा की अनुभूति वो कर लेता है, अनुभव कर लेता है, उस अनुभव के आधार पे वो फिर आगे अनुरतों को अंगीकार कर लेता है। शेर जैसा जीव जिसका मांस ही भोजन है, मांस के अलावा उसको कुछ पचता नहीं, हाथों में मांस छोड़ता है, उसके लिए खरगोश सूखी घास ना खाए, हे सिंहराज कुछ तो खा लो, जैसा चित्र है बहुत बढ़िया, क्या सिंह बैठा हुआ है और इतने निर्भीक हो गए सब जानवर, सिंह की कमजोर अवस्था देखकर खरगोश कुछ सूखी घास के तिनके और उसको भेज देता है, वो बेचारा खरगोश अपने हिसाब से करेगा। कि भाई तुम मृत प्राय हो रहे हो तो ये सूखी घास का, लेकिन अब वो उसकी आते ऐसी होती है उसकी, उन आंतों में मांस ही पचता है, सिंह मांस छोड़ दे मतलब वो मृत्यु को गले लगाना, उसकी शरीर भी अच्छा है इसी, वहां जंगल में कौन उसको कोई पौष्टिक पदार्थ ला के देगा, सबकी अलग अलग संरचना होती है। क्या क्रूर जानवर होता तो अब क्रूरता छूट गई उसमें, बोलो उद्देश्य क्रूरता छूट गई, अब शरीर का क्या करें, तो शरीर कोई बात नहीं, देह के प्रति ममता छोड़ दी और अनुरत अंगीकार कर ली, हिंसा नहीं करूंगा किसी चीज, तो अब मृत्यु आ रही है तो अभी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात मतलब मेरा कहने का तात्पर्य कि ये बात शेर को समझ में आ जाती है। अब शेर जब कैसा है बोलो, पूछ वाला आदमी है, पूछ वालों को समझ में आ जाती, पूछ वालों को समझ में आ जाती है, क्या बात द्रव्यनियों कितनी सरल सहज स्पष्ट, वो भान वो उसको जो है देह से भिन्न आत्मा का भान उसको हो जाता है, कम पढ़ा लिखा होने पर भी वो इतनी बात पकड़ लेता है, हाँ ये भिन्न है मैं भिन्न, आत्मा अनादि अनंत तत्व है और हर एक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं, ये बात उसके ख्याल में आने से उसको साफ तत्व का श्रद्धा हो जाता है और बाकी जो है ये मूल बात जो नहीं पकड़ता है तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने मेन चीज तो ही पकड़ ली ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है सब यही को विस्तार, सब इसी का विस्तार है, तो मुद्दे की बात पकड़। तो ये द्रव्यानियोग जो है ऐसी बात करता है, मतलब ये द्रव्यानियोग का सम्यक दर्शन ऐसा नहीं है जो समझ में नहीं आए, अब कर्णानियोग की तरफ से बात करो तो कर्णानियोग कहेगा दर्शन मोड़नी की तीन प्रकृति होती है, कौन कौन सी, मिथ्या सत्य मिथ्या और अनंतानुबंधी की चार होती है, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, और इनके जब उपशम छह छह उपशम होते हैं तब होता है, और छह उपशम माने सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी छह और उन्हीं प्रकृतियों का सदावस्था रूप उपशम और देशघाती का उदय। अब ये एक शेर को समझाओ, सर्वघाती का उदय, सर्वघाती का उदयाभावी छह, अरे उसको छोड़ो ये किसी आम आदमी को भी बहुत मुश्किल है, कर्णानियोग तो ऐसी बातें करते, कर्णानियोग का समय मतलब सर्वघाती प्रकृति का उदयाभावी क्षय होना चाहिए, तो वो सर्वघाती प्रकृति समझाना पड़ेगी पहले, फिर प्रकृति बतानी पड़ेगी, प्रकृति के लिए कर्म बताने पड़ेंगे,
कर्म का द्रव्य कर्म बताओ, भाव कर्म बताओ, सब पूरी रामायण भाष्य है पूरी। और फिर वो उस तरह से बताए। और ये तो सीधा सच्चा काम है, राग जुदा है ज्ञान जुदा है, बस राग भिन्न है ज्ञान भिन्न है, राग विभाव है ज्ञान स्वभाव है, ऐसे की पॉइंट इसके एकदम। और वो की पॉइंट काम के बहुत है, सरल होने पर भी उनकी वैल्यू, उनकी उनकी यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। जैसे आप देखो प्रवचन सार के अंदर जो जो गाथा है महत्वपूर्ण है, जब उनके आचार्य टीका करते हैं तो जो महत्वपूर्ण गाथा होती है ना बहुत, तो उनकी इतनी सरल भाषा में टीका करते हैं, एक एक लाइन में, संस्कृत भी ज्यादा कठिन नहीं करेंगे, और जो गाथा बहुत सरल होगी एकदम तो उसकी कठिन टीका बना देंगे, थोड़ी कठिन मतलब उसमें थोड़ा सा उसमें प्रयोग करेंगे अपनी प्रतिभा का जो भी है, लेकिन वो जहाँ खास बात होती है तो उसको बिल्कुल सरल करके रहता है। ऐसी स्टाइल है द्रव्यानियों तो, द्रव्यानियों सम्यक तो मेन है उसका चीज एकदम। हाँ जब अन्य मत मतांतरों का खंडन करेंगे तो फिर उनकी बुद्धि कौशल देखो आप, यदि आपको आचार्यों की बुद्धि की कौशल देखना है आपको बहुत उपयोग, कठिन चीज चाहिए आपको कठिन, तो कठिन देखना है तो न्याय के बहुत ग्रंथ है, इतने कठिन है कि समझने में मुश्किल पड़ते हैं। और अपने जो काम की बात है लेकिन वो अध्यात्म ग्रंथों में आ जाती है, अपना काम उससे आराम से हो जाता है। इसलिए अधिकांश जीवों के कल्याण के लिए ये जो वो मूल मूल ग्रंथ है अध्यात्म को पढ़ ले तो भी द्रव्यानियोग का उसका काम हो जाएगा, द्रव्यानियोग का ही नहीं होगा बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उसका जो प्रयोजनभूत कार्य सम्यक दर्शन वो उसका सिद्ध हो सकता है। आज भी जो आदमी इसको पढ़ ले तो उसका असली काम आज भी हो सकता है। और जो इससे रहित है कोरा है वो तो पूरा करणा नियोग का मास्टर बन जाए, सिद्धांत शास्त्री प्रथमा नियोग में काव्य अलंकार का पंडित हो जाए, और चरणा नियोग में वो बिल्कुल सब कपड़े उतार के नहाए धोए के बिल्कुल एक एक चीज एकदम चीज पूरा सब काम करे, तो अभी कुछ नहीं सिद्धि होगी उसके। बेसिक प्रॉब्लम यही है, लोगों ने इसका अध्ययन नहीं करा, इसका अध्ययन कर ले तो वो सोने में सुहागा आ जाए उसको, और वो इसका नहीं पढ़ते जिसको कहते हैं ना तो ये चीज कोर चीज छोड़ दी, परीक्षा में एक चीज छोड़ दी हमने और बाकी सब पढ़ लिया हमने, लेकिन वो कह रहे हैं तुम फेल क्यों रहे हो, कि तुम फेल इसलिए हो गए बेटा कि वो जो कोर चीज छोड़ दी ना वही आगे प्रैक्टिकल लाइफ में काम आती है, और उसके ऊपर तो क्वेश्चन आता ही है, और कभी कभी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से रहा है, तो उसी को छोड़ो। ऐसी तो ये निरूपण करेगा सम्यक का, तो स्वपर श्रद्धान जो हमको आपको सबको समझ में आ जाए, स्वपर श्रद्धान आदि होने पर सम्यक का है वो बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण, सूक्ष्म भाव की अपेक्षा गुणस्थान आदि को में सम्यक आदि का निरूपण करना नियम में पाया जाता है। वो वहां से मतलब वो तो क्यों सम्यक प्रकृति का उदय कौन से गुणस्थान से कौन से तक है, ये कौन करेगा करना नियम, द्रव्या नियम की सब बात नहीं करता, द्रव्या नियम में तो सम्यक एक ही है और करना नियम में सम्यक भी तीन है, उपशम क्षय उपशम छाय, क्षय उपशम बोले थोड़ा मलिन होता है, उपशम छाय निर्मल होता है, लेकिन उपशम क्षण स्थायी होता है, छाय परमानेंट होता है, जैसे कितने भेद हैं। ये करना नियोग का एक तरफ से सूक्ष्म निरूपण है, तीन प्रकार के सम्यक का निरूपण करना नियोग की अपेक्षा, और वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म इसलिए क्योंकि वो सम्यक में भी सूक्ष्मता से विवेचन करता है, सम्यक तो है लेकिन कौन सा है, क्षय उपशम है उपशम है छाई के, क्षय उपशम होगा तो क्या थोड़ा मलिनता होगा, वो मलिनता भी कैसी है अपने बुद्धि को चलनी है वो केवल ज्ञान मतलब उसका वर्णन ही वो केवल ज्ञान उसका वर्णन ही सूक्ष्म होता है, और वो जो है कर्म प्रकृतियों की तरफ से बात करता है, पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का उदय है, दूसरे में अनंतानुबंधी का है, तीसरे में सम्यक मिथ्यात्व का, चौथे में सम्यक का, चौथे सातवें सम्यक का है, छठे सातवें में आठवें से ऊपर किसी का भी नहीं है, आठवें और आठवें से ऊपर, तो वो अब मतलब उसकी जो भाषा होती है ना वो कर्म प्रकृति की तरफ से होती है, द्रव्यानियम कर्म प्रकृति की तरफ से बात नहीं करेगा, द्रव्यानियम स्वपर श्रद्धान हो गया सम्यक हो गया, सम्यक होने पर चौथे से बारहवें तक सब सम्यक दृष्टि है, सब मुक्ति के पात्र है। और यहाँ तो यहाँ की जो डेफिनेशन है कर्म प्रकृति की तरफ से, किस गुणस्थान में कितनी प्रकृति का उदय होता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये इसकी टर्मिनोलॉजी, और जो इसको समझते हैं उनको इसमें मजा आता है, जैसे जो कर्म प्रकृति समझा हुआ है तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं कि चौथे में सम्यक होता है,
वहाँ तो इतना ही बोला जाता है बस कि पहले से पहले में और दूसरे में अनंतानुबंधी, पहले मिथ्यात्व का उदय अनंतानुबंधी का उदय दूसरे तक है और तीसरे से इन दोनों का उदय नहीं है और चौथे में दोनों का उदय नहीं है। तो अब बात क्या कह रहे हैं कि मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का उदय चौथे में नहीं है। अब वो कर्णानियों वाला समझ जाएगा कि हाँ सम्यक थे, फिर ये कह दिया लेकिन सम्यक प्रकृति का उदय है तो समझ जाएगा कि सम्यक का उदय मतलब छह उपशम सम्यक थे और सात प्रकृति का छह हो गया है, छह ही सम्यक थे। डॉक्टरों की भाषा होती है ना, क्या ये टेस्ट तो इसका पॉजिटिव आया है, मरीज अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव कि पॉजिटिव आया है ये टेस्ट बड़ी चिंता का विषय है कि टेस्ट पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव अपने को क्या लगता है, अरे भैया सर पॉजिटिव है मतलब कुछ पॉजिटिव है रिजल्ट डॉक्टर की भाषा कि डॉक्टर समझ लेते हैं आपस में, डॉक्टर ऐसा स्थूल बातें नहीं करते क्योंकि वो उसी फील्ड के ना, और आम आदमी से जब वो बात करेंगे तो क्या करेंगे, भैया इम्प्रूवमेंट तो है लेकिन इतना नहीं है, ये जो भी बात करेंगे इम्प्रूवमेंट है यहीं पर उसको एक ही बात होता है खतरे से बाहर है गाड़ी। अच्छा डॉक्टरी टर्म्स में तो वो ये देखेंगे खतरे से बाहर लेकिन कितना परसेंट बाहर है, कितना और बचा है प्रॉब्लम, वो वापस रिवर्स नहीं आ जाए उसको भी निकालो, वो सब बातें होती है वहाँ, एक एक परसेंट की बारी की निकाली जाएगी और आम आदमी के लिए बस बात ऑपरेशन कैसा हुआ सक्सेसफुल, दो ही भाषा होती है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, क्या वहाँ कभी भी वो टेक्निकल टर्म्स में बात नहीं की जाती, कोई भी आदमी बाहर डॉक्टर निकले बाहर सब ऑपरेशन कैसा था वो टेक्निकल टर्म्स में बात करें 80% था इतना निकाला ये हुआ वो हुआ अब ये है वो है क्या ये है वो है एक गाँव वाला आदमी तो पागल हो जाए इतनी बातें डॉक्टर हमें क्या करना है, हमको तो बताओ ऑपरेशन हो गया क्या सक्सेसफुल, जी जाएगा कि नहीं जी जाएगा आदमी, इसी बात मर जाएगा। ऐसे द्रव्यानियों के तो सम्यक थे कि मिथ्यात्व है कि नहीं, वो एक सम्यक मिथ्यात्व का उदय तो नहीं, सम्यक मिथ्यात्व के उदय से मतलब नहीं, हमको हमको तो बताओ क्या है, तो इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को द्रव्यानियों की भाषा में कोई चीज नहीं होती, द्रव्यानियों तो सम्यक तो मिथ्यात्व दो ही परिणामों को मानता है और सम्यक में भी सम्यक एक जैसे उसके लिए तो तीनों एक खाते में सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है तो मिथ्या दृष्टि है, वहाँ इतनी बातें तो ही नहीं करेंगे बारीकी, वो बारीकी तो उसके लिए करेंगे जो कर्णानियोग का विशेषज्ञ होगा तो उसके लिए बारीकी करेंगे फिर कि कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय है, कितना उदय है, कितने अनुभाग को लिए हुए हैं और कितनी स्थिति को लिए हुए हैं और सब बातें, तो ये सबके लिए अलग अलग तरह के लोग, इसलिए ये सब अच्छा समझना तुम कि ये उद्देश्य उनके लिए जो सूक्ष्म समझना चाहते हैं, तुमको डॉक्टरी करनी है इसकी सम्यक दर्शन की तो कर्णानियोग पढ़ लो और तुम्हें मोटा मोटा श्रद्धान करना है तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं जाता, धंधा पानी भी करना है सब करना है और फिर भी धर्म भी करना है, तो चलो एक काम करो कि मोटा मोटा जिससे तुमको थोड़ा बहुत मतलब धर्म स्वरूप समझ में आ जाए और अपना हित कर सको तो वो तुम उसको द्रव्यानियों को पढ़ लो तो उससे भी तुम्हारा काम हो सकता है, क्योंकि सात तत्व छह द्रव्य की प्रयोजनभूत बात वहां पे भी आ जाए। इसी प्रकार अन्यत्र जानना, इसी प्रकार और भी समझना, मतलब अपन ने दो चार कही, इसमें आप चिंतन करना जितना आप सोचोगे उतना आपको बहुत मिलेगा। अनियों की विधि, अनियों के व्याख्यान की शैली क्या है, स्थाई क्या, और लोक के उदाहरण सोचना तो आपको समझ में जाएगा, लोक में भी ऐसी व्यवस्था रहती है यहाँ भी ऐसी, अलग अलग रिपोर्ट होती है, डॉक्टरों की इंटरनल रिपोर्ट अलग होती है, एक्सटर्नल लोगों को देने के लिए अलग होती है, सब चीज अलग अलग होती है, तो ऐसे ये कर्णानियों की रिपोर्ट इंटरनल और लोगों के लिए रिपोर्ट कौन सी है द्रव्यानियों पर एक्सटर्नल, काम उससे भी हो जाता है लोकल, इसलिए द्रव्यानियों के कथन की विधि कर्णानियों से मिलाना चाहे तो कहीं तो मिलती है, कहीं तो मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलती है, जैसे जिस प्रकार यथाख्यात चाहे तोने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्ध भी हो, तो कोई डाउट ही नहीं किसी को, बारहवें व्यवस्था में शुद्ध उपयोग एक नहीं, तो कोई अनियोग उठा के ले आओ सब कह देंगे शुद्ध उपयोग,
परंतु निचली दशा में द्रव्यानियोग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, परंतु करणानियोग अपेक्षा से सदाकाल कषायांश के सद्भाव से शुद्ध उपयोग नहीं है। ये समझ लेना, निचली भूमिका में कषायांश है तो शुद्ध उपयोग नहीं कहेगा कौन, करणानियोग, वो करणानियोग की अपेक्षा से मानी और द्रव्यानियोग की अपेक्षा से, द्रव्यानियोग तो भैया वो आत्मानुभव कार्य में प्रवर्तन है तो शुद्ध उपयोग ही कहेगा, क्योंकि उसको आगे उसको आदमी को उत्साहित करना, उत्साहित। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना और भी लगा लेना इसी प्रकार है कि नहीं, तथा द्रव्यानियोग में परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं, वह द्वेष बुद्धि नहीं जानना, वह लड़ाई झगड़ा मत समझना कि उन सब का कोई लड़ाई झगड़ा है, अपने को तो किसी भी व्यक्ति को यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान कराना है तो उसके लिए भाई क्या है ऐसा है ऐसा बताएं। भाई आप कोई चीज़ गलत मानते हो तो आपकी आपको भी सही चीज़ सही स्वरूप समझ में आ जाए इसके लिए हम बताएंगे। जैसे किसी कोई गणित के अंदर गलती करके आया तो हम बताएंगे भाई ये इस तरह से सॉल्व होता है और ये सही आंसर इसका ये प्रोसेस है, तो इसमें उसने द्वेष बुद्धि सही नहीं कि इसको नीचा दिखाना है। सही कह रहे बच्चा, टीचर उसकी मिस्टेक बताता कहे के लिए तो बच्चा आगे से मिस्टेक सुधार ले। यहाँ तो गणित में तो यहाँ तो मल्टीप्लाई करने में गलती कर रहा है, ये अभी जिंदगी में मल्टीप्लाई में गलती करेगा दुखी होएगा बहुत, तो इसलिए उसकी गलती को सुधारते हैं। ऐसे अन्य मत के कहे गए तत्वाधिक को जहाँ असत्य बतलाया है तो उसका प्रयोजन यही है कि सामने वाले का श्रद्धांत जो विपरीत है जिससे वो दुखी है तो उसका सत्यार्थ श्रद्धांत यथार्थ वस्तु स्वरूप को वो भी समझे, हमको तो उसको भी समझाना है। हमारे लिए तो कोई हमने कोई जेनियों कोई ठेका नहीं ले रखा, हमने तो जो समझना चाहे तत्व को जिसको समझना है हम उसको समझाएंगे, तो इसलिए हम उसने जो समझ रखा है वो समझ सत्यार्थ नहीं है और सही समझ क्या है वो बताएंगे, उसमें हमें उससे द्वेष नहीं है। क्या वहाँ प्रयोजन क्या है, उसको असत्य बतला कर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन ज्यादा। अच्छा कभी कभी उनकी बुद्धि कभी कभी भाषा उसमें बड़ी ऐसी कड़क होती, ये ऐसा कहने वाला बौद्ध ये बिल्कुल भी विचारशील नहीं है, तो अपने को लगता है आचार्य कितने कड़क शब्द बोल रहे, लेकिन वो कड़क नहीं वो तो बता रहे हैं कि भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो, बिल्कुल दुनिया में कुछ है ही नहीं शून्य है, तो बोले इतना विचारशील नहीं है तू बिल्कुल भी, क्योंकि तो विचारशील हो तो ऐसी बातें नहीं करेगी, मतलब जब वो आदमी एकदम उटपटांग बात करता है तो उसको थोड़ी कड़क भाषा में ही बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि उसका मतलब ये मत समझना कि आचार्य को कोई उनसे द्वेष था, वो उन्होंने उसको समझाने के लिए उसको सत्यार्थ वस्तु स्वरूप बतलाने के लिए इस तरह से बात की, मतलब हमें किसी अन्य मत से हमें कोई द्वेष नहीं, हम तो अन्य मत को भी चाहते हैं कि वो भी सही बात समझे, हमने सही बात बताने के लिए जो असत्य बात थी उसका खंडन किया कि यदि तुम ये असत्य को असत्य नहीं मानोगे तो सही कैसे समझोगे, समझ में ही ना बात, तो इसलिए उसको असत्य निरूपित किया और असत्य बताने के लिए अपने तर्क तो देंगे ना, अपनी बात रखने के लिए अपनी हमारी बात सत्य है और उसको बराबर उसको मैंने उसको दर्शाने के लिए है उसके चित्त में उसका श्रद्धान हो यथार्थ वस्तु स्वरूप का, तो उसको दर्शाने के लिए हम जितने भी तर्क होंगे वो सब देंगे, युक्तियाँ भी देंगे, तो उसका प्रयोजन कभी भी ये मत समझना कि हमें उससे क्या है द्वेष, द्वेष बुद्धि से नहीं कर रहे, यदि द्वेष बुद्धि हो तो पाप है, लेकिन उसका इतना ही भाव है कि सामने वाला भी सच्ची बात को समझे। इसी प्रकार क्योंकि इसमें द्रव्यानियम में एक हिस्सा ही है न्याय, उसके बहुत ग्रंथ है न्याय के, क्योंकि जितने दुनिया भर के मत है, अरे बहुत इस हिंदुस्तान की धरती में एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि अनेक आस्तिक दर्शन हुए, अरे आस्तिक जिन्होंने विचार किया आत्मा के अस्तित्व को माना और उन्होंने अपनी अपनी लेखनियाँ चलाई, पिछले 2000 वर्षों में ऐसा नहीं कि जैनियों ने लेखनी चलाई, बहुत सारे अन्य मतों में बड़े बड़े विद्वान हुए, तो उन्होंने वो थे तो छदमस्त ना, उन्होंने अपनी बुद्धिगोचर जो है जैसा उनको समझ में आया ऐसा उन्होंने लिखा, तो आचार्यों ने उस समय जो उन्होंने लिखा उसका खंडन किया कि कणाद में ये लिखा है तो सही नहीं है, इसने ऐसे कुमार भट्ट बहुत एक से एक वो लोग हुए जो भी ये बुद्धिशाली थे, लेकिन तत्व स्वरूप से क्या थे ये अनजान थे, क्योंकि वो जैन दर्शन की जो मान्यता थी परिपाटी वो उससे परिचित नहीं थे,
तो इसलिए विचारशील होते हुए भी यथार्थ वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सके। और जिसको परंपरा से सही चीज मिल गई है तो वो उसका भाग्य एक प्रकार से, तो ये है कि वो उसको विचार करे बस उसके अंदर, तो उसको इसकी सत्यता भाषित होगी तो उसको उसका श्रद्धान दृढ़ होगा। इन लोगों की तो जो भी इनकी बुद्धि में इनको जो आया मन का, तो उसका सबका निषेध उसने किया। ये कह रहा है कि अपना टाइम हो गया। इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार से द्रव्यानियोग का, द्रव्यानियोग में व्याख्यान का विधान है। क्या और भी अनेक प्रकार से द्रव्यानियोग में व्याख्यान का विधान है? बाकी कल करेंगे।